अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू बिन्त सईद किचन एंड लाइफ फ्रेंड्स आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे आमीन फ्रेंड्स सुबह फ्रूट शेक का टाइम हो गया बच्चों को मैं देकर फिर इनको रेडी कर दूँगी और ये लोग चले जाएँगे और बस यही है कि सर्दी जब होती है तो थोड़ा मैं गर्म शेक ही बनाती हूँ अब मैं बेटी के हेयर्स को कॉम कर दूँगी क्योंकि देखिए हल्की हल्की इसने ऑयलिंग अभी करवाई है और मैंने अलसी ऑयल और मैजिकल हेयर ऑयल दोनों मिक्स करके लगाए क्योंकि आप सब लोग कहते हैं कि हमारे साथ शेयर किया करें तो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने थोड़ा सा मैजिक ये रात इसने शावर लिया था और उसके बाद ये सुबह मैंने थोड़ा सा मैजिकल हेयर ऑयल और थोड़ा अलसी हेयर ऑयल दोनों की रेमिडी मेरे चैनल पर है वो आप देख सकते हो और मैंने वो लगाया उसके बाद आज जल्दी पानी वाला आ गया था तो ये बहुत ही अच्छा पानी इनका होता है तो ये पानी का काम भी आज ज़रा जल्दी ही निबट गया है तो मैंने सोचा कि ये कर लूँ फिर उसके बाद मैंने अपना नाश्ता बनाया अपनी हाउस हेल्पर का नाश्ता बनाया फिर मैंने सोचा कि देखती हूँ कि उसके बाद मैंने क्या काम करना है बस सुबह की रूटीन तो यही होती है और मेरी अक्सर बहनों ने कहा था आप ही कभी आप अपनी सिर्फ मॉर्निंग रूटीन शेयर करें तो मैंने सोचा आज मैं ये वाली रूटीन शेयर कर देती हूँ तो अब ये देख के सारा हो गया था अब मैंने कहा क्या लेटना है मेरी हौसल पर भी आ गई थी और मैं अपना और उसका नाश्ता बना रही हूँ मैंने भी आज अपने लिए हाफ़ फ्राई अंडा क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंडी की हवा चल रही थी तो और कोई सालन भी नहीं था तो मैंने सोचा मैं अपने लिए एक हाफ़ फ्राई अंडा ले लेती हूँ और उससे मैंने पूछा तो उसने कहा नहीं आ, आप मेरा थोड़ा सा ये अंडा जैसे अक्सर लोग योग को तोड़ देते हैं उनको वो पसंद होती है कि वो भी थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो मैंने उसके लिए वैसा पराठा और अंडा बनाया और अपने लिए मैंने सिंपल ही हाफ फ्राई अंडा बनाया तो इसी तरह ही होता है जिस टाइम वो जो कहे कभी बोल देती है भाजी मैं घर से करके आई हूँ कभी बोल देती है भाजी मैं सिर्फ चाय भी कभी वो पराठा भी खा लेती है उन्हें पसंद आता है मेरे हाथ का लेकिन उन्हें मेरे हाथ के चावल बहुत पसंद है कभी भी होता है तो वो कहती हैं कि जब आप बनाएं तो हमारे लिए रखना और मैं उनके लिए ज़रूर रखती हूँ मेरी बेटियों की तरह है तो मैं ज़रूर रखती हूँ और हम एक ही जगह बैठ कर खा लेते इतना खुश वो बच्चियाँ हो जाती हैं तो और क्या चाहिए अगर हमारी वजह से किसी को खुशी और हम जैसे ही हैं देखिए हालात हर किसी के कभी अच्छे कभी बुरे हो सकते हैं लेकिन ये अच्छी बात है कि हर हालात में इंसान एक जैसा ही रहे अब वो मेरे साथ ही बैठ कर नाश्ता करती है फिर जो मुझसे हो पाता है मैं उनके साथ ज़रूर काम करवाती हूँ मैंने पहले भी अपने अक्सर ब्लॉग्स में शेयर किया है कि मुझसे जो रिलीव हो सकता है मैं वो देती हूँ बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरी बैक बोन में भी तकलीफ होती है सीज़र से मेरे बेबी हुए हैं तो मैं इतना ज्यादा काम नहीं कर सकती हूँ जैसे झुकने वाला तो मैं मैंने इसलिए हाउस हेल्प रखी वरना आपको पता है कि हर काम मैं कर लेती हूँ लेकिन फिर यह है ना कि अगर कंटिन्यू मैं ये क्लिनिंग करूँ ना तो मेरी बैक बोन में तकलीफ होती है बाकी सब काम मैं खुद करती हूँ ड्राइविंग भी करती हूँ आपके सामने बस इस इन कामों के लिए थोड़ा सा मुझे हेल्प मिल जाती है बाकी तो अल्लाह पाक ने इस तरह की अम्मी तरबियत की है कि हर काम हमें आता है और हम कर लेते हैं बस थोड़ी बहुत तकलीफ़ आ जाती है अल्लाह पाक इन तकलीफ़ों को सबको इन तकलीफ़ों से दूर रखे आमीन तो अब ये देखें कि मैंने अपना तो एग बनाया और इसका यही था बाजी मेरा एक ये तोड़ दे ये मेरे पास ही इस तरफ खड़ी हुई है और यही कह रही अभी तो और भी कह रही थी कि इसको और आप यूँ यूँ करें मैं तो ऐसे करके बनाती हूँ मैंने कहा चुप कर जा और ये मैंने अपने लिए बनाया है क्योंकि जब सालन होता है ना तो मैं खुश मुझे बहुत अच्छा लगता है रात का सालन और चपाती हो या पराठा हो इस तरह और साथ साथ मैं लगी रहती हूँ क्लीनिंग करने पे अलहमदिल्ला मुझे कोई गेस्ट मेरे आ जाए या कुछ हो तो मुझे ज़रा भी ये मसला नहीं होता कि कोई मेहमान आ जाएगा तो मुझे मेरे बर्तन पड़े हुए या कोई ऐसा मैं करती ही रहती हूँ ये नहीं होता कि कल को हाउसल पर नहीं आना तो कल तक ये काम पड़े रहे नहीं बस जिस टाइम हमने जो काम हो गया ना उस, उसके बाद फ़ौर फ़ौर क्लिनिंग और फ़ौर फ़ौर काम ये देखिए मैंने लहसन का अचार लिया है क्योंकि ये मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया भी था कि आप लहसुन खा सकते हो तो मैंने वैसे तो नहीं खाया जा रहा था मैंने अचार मंगवा लिया था उसके बाद ये मेरे रूम की क्लीनिंग थी और मैंने आज थोड़ा ना डीपली डस्टिंग कर रही हूँ और हम दोनों मिल ही कर रहे हैं तो ये पहले बेड शीट मैं चेंज करूँगी क्योंकि ना अक्सर होता है कि हम लोग कर लेते हैं लेकिन हमें ना पता नहीं चलता बेशक बंद कर होते हैं फिर भी ना मट्टी अपना रास्ता बना लेती है आप यकीन करें कि मेरे लाउंज के भी वॉलपेपर पे ना मैं आपको किसी व्लॉग में दिखाऊंगी ये लैपटॉप है इसको भी मैंने कहा मैं साफ़ करके रख दूँ हल्की हल्की मिट्टी आ ही जाती है जितना भी करो और ये स्प्रे मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया ये जो शीशे साफ़ करने वाला स्प्रे होता है ना आप लोग इसी से ही हर चीज़ डस्टिंग जो होती है ना वो कर लिया करें ये बहुत ही अच्छा है एक तो देखिए कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आता है दूसरा ना इससे क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है और अगर आप लकड़ी पे कर रहे हो या स्टील की चीज़ों पे कर रहे हो तो जंग वगैरह या लकड़ी ख़राब भी नहीं होती है वैसे अगर ये अक्सर हाउसल पर जो दूसरों के घरों में मुझे पता चलता है तो वो कपड़ा गीला करके करवाते हैं लोग अब हमारी जो अम्मी के घर में हाउसल पर थी ना वो भी कपड़ा गीला करके करती थी तो उससे चीज़ें ख़राब होती हैं तो इसलिए फिर मैं तो यही मैंने बस एक दो बार ऐसे किया तो अब तो मैं कई सालों से यही स्प्रे यूज़ करती हूँ तो मेरे लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है और आप यकीन करें कि, कि कई दिन ये ना चल जाता है मतलब ये नहीं कि आपका एक मंथ में ख़त्म हो गया ये एक मंथ से ज़्यादा ही चलता है और कोई इतने ज़्यादा महंगा भी नहीं है ये पाकिस्तानी टू फिफ्टी रुपीज़ में आ जाता है यानी ढाई सौ का बाकी कंट्रीज़ के रुपीस का मुझे नहीं पता कि कितने का है तो ये आप लोग लें ये डस्टिंग में और शीशा साफ करने में लकड़ी की चीज़ें या बेड की डस्टिंग इस तरह बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल है और मेरी अक्सर बहनों ने मुझे कहा है कि आप ही आप अपने कपड़ों की जो स्टिचिंग है ये भी शेयर करें तो पॉसिबल होगा करूंगी क्योंकि कभी मैं एक दफा रात में बैठ गई तो कर लिया और कर और मुझे ना ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आई है ना सोफ़ो के जो मैं कवर जो मैंने डाले हुए उनकी है सोफ़े के कवर मैंने थोड़ा सा एक व्लॉग में ईद वाला शायद व्लॉग है उस पर मैंने थोड़ा सा शेयर किया है लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी अम्मी की तबीयत कुछ स्टेबल हो जाए आज भी मेरी आप ही आई थी लेकिन वो बस थोड़े टाइम के लिए आई थी और हम लोग बैठे बातें करते रहे पता ही लगा जैसे कैसे पाँच छः घंटे गुजर गए वो अम्मी से ही मिलने आई थी हालाँकि आपको पता है सबको कि उनका भी सीजर हुआ था तो पता ही नहीं चला तो अब इतने थोड़े टाइम के लिए आई तो मैं कैसे उनको कटिंग ये वो करवाऊँ तो मैंने फिर यही सोचा है कि अम्मी थोड़ी सी तबीयत सही हो तो अम्मी मुझे बताती जाएंगी और फिर उसके बाद मैं कटिंग कर लूँगी अभी भी हम लोगों ने एक कपड़ा लिया था बाहर से ही आया था मेरे हस्बैंड ने कहीं से लिया था तो उसके भी हम लोगों ने ड्रेसेस बनाए मैं आपके साथ उसको शेयर करूँगी बहुत ही प्यारे ड्रेस उसके हमने सिंपल सिंपल और प्यारे बनाए तो वो भी किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी बस यही होता है कि कभी वीडियो शूट हो जाती कभी नहीं कभी इसी तरह ही चल रहा है क्योंकि आपके सामने मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ अब ये बेटे के रूम की क्लिनिक है क्योंकि आजकल इधर ही बेटी हस्बैंड और बेटा यहीं सोते हैं ना तो मैं और अम्मी बेटी के रूम में सोते हैं तो बस इसी तरह ही होता है कि उन लोग उन कमरों को कर दे मेरा कमरा कम से कम ही होता है कोई इस तरह गेस्ट आ जाए या वैसे ही कोई हो तो हो जाता है उस दिन भी पता नहीं इसी कमरे में बैठे हुए थे तो थोड़ा सा था तो हमने उसको भी आज क्लीन कर दिया अब मैंने आज क्लीन किया है ना अब ये तीन चार दिन बिल्कुल सेट रहेगा क्योंकि मेरे रूम में कोई भी नहीं बस हस्बैंड सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार बाकी तो कोई भी नहीं बाकी सब अपने अपने रूम्स में ही जाते और अम्मी जहाँ होती है ना सबका दिन वहीं गुजर जाता है वहीं हम लोग बैठ के बातें करते रहते या थोड़ी देर के लिए अम्मी को बेटा या बेटी वॉक करवा देते बस आप सब की दुआओं का आपकी बे अनतहा दुआओं का बहुत शुक्रिया मुझे नहीं पता मेरी किस बहन बेटी या मेरे बच्चों में से किसी की या दुआ मेरे रब को इतनी पसंद आई कि अम्मी माशाल्लाह 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 सही होती जा रही हैं बस अल्लाह पाक किसी तरह हम लोग एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें तो अल्लाह पाक सबकी दुआएं सुनता है अब ये बेटे के भी रूम की क्लीनिंग हमने कर ली है लेकिन ये जो पिलोज है ना ये बच्चे मेरे ना खुद ही रखते हैं मैं बस इसी तरह अव्वल तो वो खुद ही करके जाते हैं लेकिन बस आजकल ना थोड़ा सा शेड्यूल जो है ना वो अनबैलेंस हुआ हुआ है आप सबको पता है तो अब ये आएगा ना तो ये देखिएगा पहले अपना बेट के ये जो पिलो है ना ये सेट करेगा उसके बाद ये अपना यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करेगा ये बहुत सहूलत है और ये देखिए मेरी हाउस पर मैंने आप सबको बताया ना कि ये यूं ही हाथ से लगाती क्योंकि ये ये कहती है मॉप से, से नहीं लगाती फिर मैं इनको सिंपल पानी से ये पोछा लगाती ना मैं फरनाइल डालने देती हूं ना मैं इनको ब्लीच डालने देती हूं देखिए हाँ इतने घरों में इन्होंने काम करना केमिकल होता है वो और अब ये देखिए माशाला माशाला के घर भी पूरा क्लीन हो गया है और किचन भी और आज मैंने आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन सारी शेयर कर दी है जो मेरी बहनें मुझसे काफ़ी अरसे से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप ही मॉर्निंग रूटीन शेयर करें तो आप देखें मैंने शेयर कर दी और बहुत सारा प्यार दीजिएगा अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे आमीन अल्लाह हाफि